आंख में चोट लगने के बाद तत्काल हमें क्या उपाय करना चाहिए? आंख में चोट छड़ी या डंडे से, हाथ से, बॉल से, माता पिता या टीचर की पिटाई से या दूसरे किसी माध्यम से चोट लग सकती है। आंख में चोट लगने के तुरंत बाद आप क्या उपाय करते हैं और यह उपाय कितना प्रभावी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो आज मैं आपको सबसे प्रभावी उपाय बताऊंगा जिसको करने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा विलम्ब करने से किसी की चोट लगने के बाद आँख की दृष्टि जा सकती है। उपाय: तत्काल आपको फ्रिज से बर्फ़ का टुकड़ा निकालना है और उस बर्फ़ के टुकड़े को कॉटन के कपड़े में लपेटना है। इसके बाद जिस आंख में चोट लगी है उस आंख को बर्फ से सिकाई करना है। सिकाई करते वक्त चोट लगे हुए बच्चे या व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। बर्फ से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार करना चाहिए और यह प्रक्रिया दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर करना चाहिए। चोट वाली आंख में बर्फ की सिकाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक करना चाहिए, इसके बाद बंद कर देना चाहिए। चोट लगी हुई आंखों की सिकाई सीधे बर्फ से नहीं करना चाहिए, उस बर्फ को कपड़े में लपेटने के बाद ही करना चाहिए। चोट के बाद आंखों को यदि आप बर्फ से अच्छी प्रकार से सिकाई कर देंगे तो चोट के कारण आंख के अंदर होने वाले दुष्परिणाम को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। बर्फ से सिकाई करने के बाद मरीज को नेत्र विशेषज्ञ के पास जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि आंख में चोट लगने के बाद आंख के अंदर कितना नुकसान हुआ है यह पता करना बहुत जरूरी होता है। जब आप मरीज को नेत्र विशेषज्ञ के पास लेकर जाएंगे तो नेत्र विशेषज्ञ चोट लगी हुई व्यक्ति की आंखों की जांच करेगा और जांच करने के बाद आपको बताएगा कि आंखों में चोट का असर कितना हुआ है। आंखों में चोट का कुछ असर तत्काल देखने को मिलता है और कुछ असर कुछ दिनों के बाद देखने को मिलता है, तो नेत्र विशेषज्ञ इन सभी दूरगामी परिणामों के विषय में आपको बताएगा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। बहुत बहुत सा धन्यवाद।